अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज गौरव। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में मैंने फर्स्ट 5 क्वेश्चन को डिस्कस किया था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा बच्चों। तो आज की क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन है बच्चों, द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन ऑकर। एक सेल है जिसके अंदर नीचे दी गई रिएक्शन हुई है, जिसमें क्या है, 2Fe3 plus 2I negative, 2Fe2 plus I2 has e-node cell, मतलब यहां आयरन का क्या हुआ है, देखिएगा, इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो रिडक्शन हुआ, यहां पर आयोडीन ने डोनेट किया है, तो जिसके e-node cell की वैल्यू है 0.236 वोल्ट और ये रिएक्शन हुई है 298 केल्विन पे। आपको निकालना क्या है, गिब्स एनर्जी निकालनी है, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी निकालनी है बच्चों, जिसको आप डेल्टा जी नोड से रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ में निकालना है बच्चों आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो बच्चों, दोनों के फॉर्मूलाज आपको चैप्टर के अंदर मिलेंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो बताना, मैं उस टॉपिक पे ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा। तो क्वेश्चन को देखते हैं। देखो बच्चों, रिएक्शन लिखेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन मैं यहां से स्टार्ट करूंगा बच्चों। 2Fe+3 जो एक्वस में है बच्चों, मैं एक्वस नहीं लिख रहा, यहां पर आफ्टर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन इट बिकम 2Fe2+। आप मेरे को बताओगे कि इस रिएक्शन में क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। सेकंड रिएक्शन लिखेंगे बच्चों, 2 आयोडीन था, इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके इट बिकम आयोडाइड था और ये बन गया आयोडीन एंड इट लॉसेस 2 इलेक्ट्रॉन। बच्चों यहां पर इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, यहां पर इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हुआ है। क्या हुआ है, डोनेशन। तो आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में क्या हुआ है इसके अंदर, डोनेशन और यहां पर गेनिंग। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं और डोनेशन को क्या बोलते हैं। तो बच्चों देखिए, यहां पर जो n की वैल्यू है, n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। तो ये आपके पास गिवन है बच्चों। अब मैं फॉर्मूला लिखूंगा, फॉर्मूला आपको डेल्टा जी नोड का पता होना चाहिए, इक्वल टू -NFe node cell होता है बच्चों। n आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, f होता है फैराडे कांस्टेंट और e नोड सेल आपका होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ सेल। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास रहता है बच्चों, log kc का, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल्टा g नोड डिवाइड बाय 2.303 RT। बच्चों ये जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का केस नंबर सेकंड डिस्कस करते हो, जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ एनोड आयन और कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड आयन इक्वल होते हैं, वहां से इस फॉर्मूले का जनरेशन होता है। नेक्स्ट देखिएगा, सबसे पहले हम डेल्टा जी नोड को डिस्कस करेंगे। निकालने के लिए आपको एन की वैल्यू पता होनी चाहिए, एन कितना है, 2। यहां पर देखिएगा 2 लिखा है, यहां आयरन 1 से प्लस 3 से प्लस 2 पे गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का गेन किया है, मगर मेरे पास दो आयरन है बच्चों, 2 फेरस है यहां पर, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो करिएगा क्वेश्चन को, वैल्यू पुट की मैंने 2 मल्टीप्लाई फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 96500 कूलम रहती है बच्चों, ठीक है। यहां पर लिखेंगे 96500 पर मोल, मल्टीप्लाई में ई नोड सेल की वैल्यू आपको यहां गिवन है बच्चों, इतना पार्ट देखें खाली, जो गिवन है कितना दिया बच्चों, 0.236 वोल्ट आपको दिया है, ये बच्चों आपके सामने है। माइनस एन की वैल्यू 2, एफ की वैल्यू 96500 पर मोल और ई नोड सेल की वैल्यू होती है 0.236। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चों। अब इसको सोल्व करने के बाद आपको मिलेगा डेल्टा जी नोड, जो उसकी वैल्यू आएगी पहली बात तो माइनस में आएगी बच्चों, और वैल्यू जो आती है वो आती है 45548, ये जूल में आती है बच्चों, किसमें आएगी, कूलम पर वोल्ट इसकी वैल्यू रहती है, जिसमें जूल, जिसको हम जूल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या रहता है, यहां पर आपके पास होगा बच्चों, अब इसको मैं किलो जूल में कन्वर्ट करूंगा, किलो जूल में कन्वर्ट करने पर मुझे इक्वेशन मिलेगी 45.5 और इस 4 को मैं 5 बना दूंगा क्योंकि राउंड ऑफ करूंगा और आ जाएगा आपके पास किलो जूल, ये आपके पास इक्वेशन रहेगी बच्चों। आपके पास डेल्टा जी नोड का आंसर यहां से निकल आया। अब निकालना है किसका बच्चों, लॉग केसी का, क्लियर। यहां पर लॉग केसी का फॉर्मूला आपके पास, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, लॉग केसी इक्वल टू रहता है कितना होगा बच्चों, माइनस का डेल्टा जी नोड डिवाइड बाय होगा 2.303 आरटी रहेगा मेरे पास,
इतना समझ आया? इक्वल टू माइनस लिखेंगे बच्चों, इतना क्या लिखा बच्चों, माइनस का लिखा मैंने। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू पुट करेंगे, 45.55 रहेगा, डिवाइड बाय 2.303 मल्टीप्लाई में आर, आर कितना बच्चों आपका 8.314 जूल पर केल्विन होता है, मगर हम टर्म्स लेके चले हुए किलो जूल में, तो लिखेंगे किलो जूल पर केल्विन मल्टीप्लाई में 298 केल्विन। अब इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा 7.983 आएगा बच्चों, मतलब लोग केसी की जो वैल्यू आएगी वो कुछ ऐसे आएगी 7.983 बच्चों। देखिएगा अगर आप लोग को आगे नहीं आता कोई बात नहीं बच्चों, आगे आपका आधा नंबर ही कटेगा, आप इतना करके भी छोड़ सकते हो, मगर छोड़ना ही क्यों है भाई। मैंने लिखा इसको केसी इक्वल टू 1 डिवाइड बाय लॉग 7.98, इतना काफी है बच्चों। अब देखिएगा केसी इक्वल टू 1 बाय लॉग जो होता है वो एंटी लॉग के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है भाई, एंटी लॉग के इक्वल होता है। और आपको एक बात और बता दूं बच्चों, यहां पर क्या लिखेंगे, एंटी लॉग 7.98 बच्चों। अब देखो बच्चों एक पॉइंट शॉर्टकट बताता हूं मैं आपको, एंटी लॉग क्या होता है, 1 बाय लॉग जो होता है वो इक्वल टू एंटी लॉग होता है, इतना पॉइंट ध्यान रखोगे। अब जो एंटी लॉग के आगे इक्वेशन दी है, पॉइंट के आगे जो भी दिया उसको पावर 10 कर दो बच्चों, तो मैं लिखूंगा एंटी लॉग 0.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर, मैंने इसको कर दिया 7। अब देखो बच्चों लॉग 2 से लेके लॉग 10 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, क्या बोला मैंने, लॉग 2 से लेके लॉग 10 की वैल्यू आपको क्लियर होनी चाहिए। इसका बेनिफिट क्या होगा, मैं बिल्कुल शॉर्टकट में जाएंगे, लॉग देखो अब आप लोगों ने क्या करना, इस टेबल के अंदर लॉग 0.98 की 0.98 किसकी वैल्यू होती है ये देखेंगे। अगर बच्चों मैं आपको लॉग 8 की वैल्यू बताऊं और लॉग 9 की वैल्यू बताऊं, देखिए जब आप लोग फाइंड आउट करोगे बच्चों लॉग 8 की वैल्यू तो आपके पास आएगा 0.9030, अगर आप लोग फाइंड आउट करोगे लॉग 9 की वैल्यू तो आपके पास आएगा 0.9542। अब जो आपके पास आया है 0.98, मतलब यहां पर 0.98 की जगह मैं लॉग 9 से थोड़ा सा ऊपर वैल्यू पुट करूंगा, तो मैं पुट करूंगा एंटी लॉग, एंटी लॉग 0.98 किसका है, देखो 0.95 तो है लॉग 9 का, तो मुझे यहां पर पुट करना पड़ेगा लॉग 9 point something, मान लो मैंने ले लिया लॉग 9.5, तो लॉग से एंटी लॉग कैंसिल हो जाता है, क्योंकि बच्चों आपको पता है 1 बाय लॉग इज इक्वल टू एंटी लॉग, और पीछे क्या था 10 की पावर 7, और आपका आंसर आया 9.5 इंटू 10 की पावर 7, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसलिए इसकी कोई वैल्यू या यूनिट नहीं होती है। ये आपका आंसर था बच्चों, इस शॉर्टकट को थोड़ा और अच्छे से क्लियर करना क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन डिक्रीज विद द सॉल्यूशन डाइल्यूशन, सॉरी क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं बच्चों, व्हाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन डिक्रीज विद डाइल्यूशन। तो देखिएगा बच्चों क्या बोलते हैं, पहला आपको एक नोट लिखवा दूं बच्चों, मैं नोट याद रखना, नोट क्या बोलता है, कंडक्टिविटी जो होती है, क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बच्चों नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ आयंस हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टिविटी की। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, आंसर देखिएगा, तो लिखेंगे यहां पर द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन, द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन is related with the number of moles, number of ions बोलेंगे यहां पर, moles नहीं बोलेंगे, number of ions present per unit volume। बच्चों बिल्कुल exact वही लिखवाऊंगा जो CBSE demand करता है, per unit volume of a solution, of the solution। ये आपका पहला point होता है बच्चों इसका। सेकेंड पॉइंट में क्या लिख सकते हैं बच्चों हम, कि वेन द सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, जब सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया जाता है बच्चों, डाइल्यूशन होता है एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, मगर हम लोग इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, सॉरी फिजिकल पढ़ रहे हैं, यहां पर एडिशन ऑफ वाटर भी बोल सकते हो। तो लिखेंगे द नंबर ऑफ आयंस, जो नंबर ऑफ आयंस होंगे वो घट जाएंगे, ठीक है, द नंबर ऑफ आयंस
डिक्रीजेस। आसान सी भाषा में बोलूंगा, जो पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो आयन थे बच्चों वो दूर दूर चले जाएंगे, ठीक। डिक्रीजेस हेंस कंडक्टिविटी, या मैं बोलूं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। बच्चों स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हटा दिया IUPAC ने, तो आप कंडक्टिविटी ही बोलेंगे। हेंस कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन आल्सो डिक्रीजेस, ऑफ द सॉल्यूशन आल्सो डिक्रीजेस। बताओ बच्चों इतना समझ आया कि नहीं आया भाई? क्लियर। ये था हमारे पास 7th नंबर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम डिस्कस करते हैं बच्चों। क्वेश्चन है, सजेस्ट अ वे टू डिटरमाइन द लैम्डा नोड एम। लैम्डा नोड एम का मतलब है मोलर कंडक्टेंस ऑफ वाटर। क्लियर है बच्चों? और ऊपर नोड लगा दिया तो इसका मतलब है एट इनफिनिट डाइल्यूशन। क्लियर बच्चों? देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, कोलोश लाए बच्चों। तो इसमें आप लोग देखो क्या लिखूंगा, लैम्डा एम नोड। बच्चों ये लाइन, सिर्फ ये छोटा सा वर्ड जिसका मतलब होता है मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन, मैं लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन, एट इनफिनिट डाइल्यूशन इसका मतलब होता है। क्लियर। अब ये कैसे मिलेगा बच्चों, लैम्डा एम नोड कैन बी ऑब्टेन्ड। अच्छा एक बात बता दूं, ये वाटर के लिए, तो आप इसका यहां वाटर भी लिख देना, ठीक है। कैन बी ऑब्टेन्ड, जब तक आपको इसको आयनिक कंडक्टिविटी का नहीं पता होगा बच्चों आप लोग नहीं निकाल पाओगे। कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नॉलेज, फ्रॉम द नॉलेज ऑफ मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन ऑफ किसकी बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड की पता होनी चाहिए आपको, HCl की पता होनी चाहिए, और साथ में आपको NaCl की पता होनी चाहिए। बिल्कुल, कौन सी रिएक्शन है बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कैसे आपको निकालनी है, लैम्डा नोड एम फॉर वाटर। क्लियर है बच्चों? इक्वल टू में क्या करूंगा, मैं एसिड बेस रिएक्शन करूंगा। लैम्डा नोड एम किसके लिए, NaOH की जो मोलर कनेक्टिविटी होगी उसको जोड़ूंगा, और मोलर कनेक्टिविटी होगी बच्चों आपकी किसके लिए, HCl के लिए। दोनों रिएक्ट करेंगे तो एक वाटर प्रोड्यूस करेंगे, एक NaCl प्रोड्यूस करेंगे। बच्चों देखो इन दोनों के रिएक्शन से बच्चों आपको क्या मिलेगा, वाटर की मिलेगी और NaCl की मिलेगी। तो इसीलिए मैं NaCl की माइनस कर दूंगा तो किसकी कनेक्टिविटी मिलेगी मेरे को, वाटर की। तो माइनस कर दूंगा लैम्डा नोड एम फॉर NaCl। तो बच्चों ये एक सिंपल सा आपका क्वेश्चन था। बताओ इतना समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए बच्चों बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025, कितना बच्चों, जो मोलर कंडक्टिविटी है बच्चों, मोलर कंडक्टिविटी है, नॉट लैम्डा एम नोड, लैम्डा एम है खाली, मोल पर लीटर किसकी, मिथेनोइक एसिड की, इतना दे दिया, जिसकी वैल्यू दी है 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल दिया है। आपको क्या निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, जिसका फॉर्मूला मैं यहां पर लिखूंगा बच्चों। पहला आपको निकालना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको अल्फा से डिनोट करेंगे। फॉर्मूला होता है मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन डिवाइड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनिट डाइल्यूशन। फिर निकालना डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसका फॉर्मूला केसी से हम इसको डिनोट करते हैं बच्चों, और डिसोसिएशन को कांस्टेंट है तो ए से डिनोट, के ए से डिनोट करेंगे। फॉर्मूला होगा सी फॉर कंसंट्रेशन, अल्फा फॉर डिसोसिएशन, सी अल्फा का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा रहता है बच्चों। तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे, और क्या दिया, गिवन दैट आपको लैम्डा नोड एच प्लस का दिया है 349.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, लैम्डा नोड एसीटेट का दे दिया है HCOO नेगेटिव फॉर्मेट का दिया है 54.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। बच्चों एक बात और बता दूं, यहां पर लैम्डा एम और लैम्डा एम दोनों में क्या फर्क है, ये मोलर मॉलिक्यूल की कनेक्टिविटी होती है, आयन की कनेक्टिविटी होती है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। देखो सबसे पहला स्टेप फर्स्ट में आपको निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को सॉल्व आउट करेंगे, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया भी था, अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम नोड, सॉरी लैम्डा एम सी डिवाइड बाय लैम्डा एम नोड होता है बच्चों। जो मोलर कनेक्टिविटी दी है एट एनी कंसंट्रेशन वो दी है 46. कितना दिया भाई, 1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल दी है बच्चों, इतना आपको दिया है। अब आपको निकालनी है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ फॉर्मिक एसिड, जो दिया है आपको HCOOH। क्लियर,
जिसके लिए आपको निकालना पड़ेगा लैम्डा नॉट। देखो ये आयन का मॉलिक्यूल का है, मोलर कनेक्टिविटी, और अब मैं आयन्स की लिखूंगा तो लैम्डा नॉट एम फॉर्मेट एच सी ओ ओ नेगेटिव, क्योंकि फॉर्मिक एसिड दो आयन में टूटेगा, एक फॉर्मेट में और दूसरा होता है एच प्लस में, जिसको आप प्रोटॉन प्रोटॉन बोल सकते हो। दूसरा लैम्डा नॉट एच प्लस, खाली एम मैं अब नहीं लिखूंगा बच्चों, डायरेक्ट लिखूंगा, आप समझ जाना। अब आपको दो दी हैं, एक एच सी डब्लू एच की दी है और एक लैम्डा नॉट एच प्लस की दी है, दोनों को मैं ऐड करूंगा 54.6 प्लस आएगा मेरे पास कितना बच्चों 349.6, और ब्रैकेट में कर दिया मैंने साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, इतना क्लियर। इन दोनों को सोल्व करने के बाद आपको मिलेगा 404.2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल बच्चों, इतना क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, अब अल्फा निकालना है आपको, ठीक है बच्चों। अल्फा लैम्डा एम नोड की वैल्यू आपको गिवन है, लैम्डा एम सी की सॉरी मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन पे अभी सॉल्व आउट किया, तो जिसका फॉर्मूला होगा 46.1 और पीछे होगी यूनिट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल बच्चों, डिवाइड बाय करेंगे यूनिट मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन से, कितनी वैल्यू आई थी 404.2, ये पॉइंट रहेगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल बच्चों। सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट से यूनिट कैंसिल करेंगे बच्चों, तो आपके पास क्या मिलेगा इक्वल टू 46.1 डिवाइड बाय 404.2। अब इसको सॉल्व करने के बाद बताइएगा मेरे को कितना मिलेगा, अकॉर्डिंग टू मी आंसर आएगा 0.1140, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है बच्चों। स्टेप टू में आपको निकालना था बच्चों डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट को कैसे निकालेंगे, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट जिसको आप के ए से डिनोट कर सकते हो। अब देखिए बच्चों फॉर्मिक एसिड दिया है एच सी डबल ओ एच, ठीक है, और जब मैंने इसको वाटर में डिसॉल्व किया इट गिव्स टू मी एच सी डबल ओ नेगेटिव प्लस एच प्लस आए, दोनों एक्वस में होंगे बच्चों इसलिए लिखना जरूरी नहीं है। अब इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी इनकी, इनिशियल कंसंट्रेशन मान लो सी है तो यहां पर जीरो जीरो। देखो बच्चों इनिशियल कंसंट्रेशन का मतलब अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं की गई है, रिएक्शन आपकी सिंगल बीकर में है, जब तक मैं इनको यहां पर इस बीकर में जब तक इसको ट्रांसफर नहीं करूंगा आप उसको रिएक्शन स्टार्ट नहीं बोल सकते। अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, यहां पर रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए टाइम जीरो है, रिएक्शन स्टार्ट कर दोगे तो टाइम बीतना स्टार्ट हो जाएगा। एक स्टेज आएगी जहां पर इक्विलिब्रियम अटेन होगा उस टाइम लिखेंगे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। यहां पर देखिए एच सी डब्लू ओ नेगेटिव कुछ देर बाद कितना बन गया सी अल्फा बन गया, ये भी कितना बनेगा सी अल्फा बनेगा बच्चों। अब सी में से मैं सी माइनस अल्फा करूंगा बच्चों तो मेरे पास क्या आएगा, सी में से सी माइनस अल्फा करेंगे तो आपके पास वन माइनस अल्फा आ जाएगा, सी को मैंने कॉमन ले लिया। अब डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट निकालना बच्चों के ए से डिनोट करेंगे, फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखिएगा बच्चों हाँ मैंने क्या लिखा कि ए निकालने का फॉर्मूला रिपीट करता हूं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है बच्चों आपके पास, फॉर्मेट एच सी डबल ओ नेगेटिव स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस, और रिएक्टेंट क्या था कंसंट्रेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड एच सी डबल ओ एच की। अब आपको पता है एच सी डबल ओ नेगेटिव की जो कंसंट्रेशन मैंने लिखवाई थी सी अल्फा थी बच्चों, कितनी थी सी अल्फा, यहां पुट किया मैंने सी अल्फा स्क्वायर ब्रैकेट, यहां भी लिखा मैंने सी अल्फा स्क्वायर ब्रैकेट डिवाइड बाय में था सी वन माइनस अल्फा और स्क्वायर ब्रैकेट। बच्चों मैं स्क्वायर ब्रैकेट हटा रहा हूं तो मुझे मिलेगा सी स्क्वायर, हाँ सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय में सी, अंदर लिखेंगे वन माइनस अल्फा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा सी अल्फा का स्क्वायर डिवाइड बाय वन माइनस अल्फा, जो हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसकी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, कंसंट्रेशन कितना दिया है 0.025 दिया है जिसमें पीछे मोल पर लीटर होता है, मल्टीप्लाई अल्फा कांस्टेंट होता है इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, मैं इसको दो बार लिखूंगा 0.144 गलत लिख दिया थोड़ा सा 0.14 है बच्चों 114 इसका, देखो बच्चों अल्फा का स्क्वायर है तो दो बार लिख दूंगा 0.114 डिवाइड बाय हो जाएगा 1 माइनस 0.114। क्लियर है बच्चों, इसको सोल्व आउट करने पर आपको मिलेगा 3.24 मल्टीप्लाई मैंने लिखा 10 की पावर माइनस 4। बच्चों इसको सॉल्व आउट कर लेना, मैथ का क्वेश्चन है जस्ट,
मोल पर लीटर रहेगा पीछे, और डिवाइड बाय हो जाएगा बच्चों 0.88, और इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा 3.67 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर बच्चों ये रहेगा। तो अल्फा की वैल्यू जो होगी मेरे पास, ठीक है बच्चों, ये आपका किसकी वैल्यू आई है, के अल्फा की वैल्यू आई है। अगर आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है, पहली बात तो आपका इतना ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू आपको निकालनी थी। इतना समझ आया बच्चों, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताओ बच्चों इतना क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 10 है। इफ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पीयर फ्लोज थ्रू अ मेटेलिक वायर, किसका है बच्चों बताओगे, फैराडे लॉ का है, फॉर 2 आवर के लिए फ्लो कर रहा है, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वुड फ्लो थ्रू द वायर। सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, देखिएगा आपको फैराडे लॉ की डेफिनेशन आनी चाहिए, फर्स्ट लॉ है जिसमें बोलता है डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। इसको सोल्व आउट करेंगे तो डब्ल्यू प्रोपोर्शनल टू या सिंबल हटाएंगे तो जेड क्यू हो जाता है बच्चों, ये सिंपल फॉर्मूला रहता है। ठीक है, अब वैल्यू अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊं बच्चों आपको, तो आप लिखोगे डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड, जेड की जगह मैं लिखूंगा यहां पर एटॉमिक मास डिवाइड बाय जेड, यहां पर एन लिखेंगे बच्चों, एन आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। एटॉमिक मास के बाद क्या आएगा, क्यू आएगा बच्चों, क्यू की जगह आप लोग लिख सकते हो आई मल्टीप्लाई टी। देखिएगा सोल्व करेंगे बच्चों इसको, मैंने लिखा सबसे पहले करंट क्यू की वैल्यू निकालेंगे, क्यू की वैल्यू कैसे निकलेगी, आई मल्टीप्लाई टी। करंट दिया है 0.5 एम्पीयर, कितनी देर के लिए, 2 आवर के लिए दिया बच्चों, सेकंड में कन्वर्ट करना कंपलसरी है बच्चों, ये लो। अब जो मेरे पास आएगा वैल्यू वो आएगा 5×10 3600, यहां आएगा बच्चों आपके पास 3600 एम्पीयर सेकंड रहेगा, एम्पीयर सेकंड जिसको आप लोग 3600 कूलम लिख सकते हो, 3600 कूलम में लिखेंगे बच्चों इसको। इतना क्लियर हुआ, क्यू की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड आउट कर ली। उसके बाद बच्चों आप एक लाइन में यहां लिखवाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्लोइंग थ्रू द वायर। बच्चों मैं डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूले में लिखवा सकता था जैसे हम नीट वाले बच्चों को बताते हैं, मगर हम सीबीएसई के अंदर आंसर लिखेंगे तो प्रॉपर आपको लिखना पड़ेगा। थ्रू द वायर ऑन पासिंग चार्ज ऑफ 1 फैराडे, कितना 1 फैराडे, और 1 फैराडे की वैल्यू आपको पता है 96500 कूलम होती है, जो किसके इक्वल होता है, हमारा एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होता है, 6.022×10^23 के इक्वल होता है, याद रखेंगे बच्चों। अब आपको निकालने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज कितना है 3600 कूलम आया है। अगर मैं 3600 कूलम के लिए निकालूंगा बच्चों, देखो एक कूलम के लिए कितना है 96500 के लिए कितना आया, इतनी वैल्यू आई 6.022×10^23। ठीक है बच्चों, अगर मैं एक कूलम के लिए निकालूंगा तो मेरे पास हो जाएगा कितना, हो जाएगा 6.022×10^23, 1 कूलम के लिए निकालूंगा तो मेरे पास हो जाएगा डिवाइड बाय 96500 कूलम। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा इतना आया, उसके बाद आप लोग देखिएगा मेरे को निकालना है 3600 कूलम के लिए, जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 6.022×10^23। ठीक है बच्चों, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इसने पूछा है, डिवाइड बाय करेंगे कितना हो जाएगा यहां पर 96500 कूलम, मल्टीप्लाई में लिखूंगा 3600 कूलम, तो कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा। उसको सॉल्व आउट करने के बाद आपके पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो आएगा 2.24×10^22। ये आपका क्या रहेगा बच्चों, आंसर रहेगा, फैराडे लॉ का क्वेश्चन था बच्चों। इतना क्लियर, तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, और बच्चों पहले पार्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तब तक के लिए अलविदा।